मूल समस्या है उसको दरकिनारा करते हैं साथियों। तो सबसे बड़ी अगर भविष्य में चुनाव फेडरेशन या यूनियन का होता है तो आज इस महासम्मेलन के माध्यम से आप लोग से विनम्र आग्रह और निवेदन करूंगा कि संगठित और एकत्रित होकर अगर हम अपने ट्रैकमैनों को चुनकर और रेल प्रशासन के पास जो स्थायी वार्ता तंत्र बनाया गया है उसमें अधिक संख्या में भेजने का काम करें। हम लोग को अवश्य जो छोटी मोटी या जो भी जोनल स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है वो अवश्य होगा साथियों। साथियों बहुत दुख लगता है कि अभी मैं चाहे अध्यक्ष हो चाहे जीएस हो चाहे ब्रांच के हो सभी में मैं देखता हूँ कि टीटी स्टेशन मास्टर साहब चाहे ड्राइवर महोदय है तमाम लोग गार्ड लोग हैं उन लोग राज करते आए हैं साथियों, लेकिन वोट हमारी है। ये आपसी फूट जो फूट की वजह है हम लोग जो वोट होता है चुनाव के माध्यम से, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मोदी जी को चुन के भेज दिए, मोदी जी से सीख लीजिए, उन्होंने बिल्कुल हमारे भारतीय रेल के साथ दुर्व्यवहार और गलत कर रहे हैं। तो हम लोग को बिल्कुल हम खासकर रेलवे के लिए तो बहुत ही निंदनीय बात कर रहे हैं कि रेल को बेचने का काम हो रहा है। साथियों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आप लोग शायद फिर यहाँ पे कार्यक्रम हो या ना हो, लेकिन मैं आप लोग से निवेदन करूंगा इस फेडरेशन के चुनाव में जो की पोस्ट है उसमें एक ट्रैकमैन से भारतीय इतिहास में आप लोग भारतीय इतिहास में नाम रोशन करने का काम करें कि कोई भी यूनियन का आता है आपके पास उनको बोलिए कि हमारा अध्यक्ष या महामंत्री ट्रैक मेंटेनर से होगा, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। जब तक कि हम लोग के पास यूनियन का पद पावर नहीं मिलेगा साथियों, तो जो बड़ी बड़ी समस्या है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, नजरअंदाज करते हैं साथियों। दूसरी बात एक जीपीआरएस आया है साथियों, जीपीआरएस ये साथियों ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्रैक मेंटेनर और की मैन को लिए हैं साथियों, ये हमारे PWI इंचार्ज महोदय के लिए भी है जो दूसरे जोन में लागू है और हमारे जोन में लागू नहीं है। उन्होंने 2 घंटा के लिए टाली करके और उसके बाद 8 घंटे का और 12 घंटा के पीए भरते हैं, उनको भी 8 घंटे लाइन में रहने की आवश्यकता है साथियों। ये बात हम तब रखेंगे जब हम पावर में रहेंगे सत्ता में रहेंगे। और अभी के डेट में मैं आप लोग को बता दूं ये जो यूनियन पावर में है उससे बढ़ के भी हमारा SCERTA आप लोग का ये आप लोग का देन है। आप लोग संगठित होकर और ताकत दे रहे हैं कि बिलासपुर जोन में कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो हमारे आपको महामंत्री श्री संजय गुप्ता जी और राजन प्रसिद्ध जी बताने का काम करेंगे। समय कम है और हमारे महामहिम भैया यहाँ पर उपस्थित है, उन लोग आप लोग को कुछ बताएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए